नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रियों में। अलीगढ़, आज अचानक अलीगढ़ क्यों इतना खास हो गया, आज क्यों अलीगढ़ पर चर्चाएं हो रही है और अलीगढ़ को क्यों चुनाव नजदीक आते ही इतनी तवज्जो दी जा रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस खास पेशकश में हमने आज अलीगढ़ को समझाने की कोशिश की है। इसके बारे में जाना है कि आखिर अलीगढ़ क्या है, क्यों है, इसके क्या विवाद हैं और चुनाव में अलीगढ़ फैक्टर क्यों इतना बड़ा है, तो चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के नोड और राजा महिंद प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। दरअसल उन्होंने कहा कि आज वो जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि भारत का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा पड़ा है, ऐसे आजादी के दीवानों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी में सुधार रहे हैं। आगे सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। भाई और बहनों, मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। शौचालय बनाने का अभियान हो, गरीबों को अपना पक्का घर देना हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, हर योजना हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे, एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज
योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं, इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे, बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस ना आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। यहां योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि सहारनपुर में भी एक राज्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, इसे महारानी के नाम पर खोला जाएगा। इसके अलावा मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। योगी ने कहा कि 2017 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। फरवरी 2018 में मोदी ने पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर यूपी में 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ, युवाओं को अपने ही घर और जनपद में रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। उसी समय प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, आज उसका एक नोड अलीगढ़ में शुरू हो रहा है। आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कभी याद नहीं किया गया, आज उनकी स्मृति में एक राज्य विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय उन्हें आजादी के आंदोलन को हमेशा याद दिलाएगा और दिलाता रहेगा। सुनिए आगे योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हरेक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह अन्न प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस फील्ड में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात के कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सबके लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रज भूमि की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से अलीगढ़ और आसपास के करीब 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अभी तक ये छात्र डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध कॉलेजेस में पढ़ते थे। अब अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय खुलने से इन छात्रों को कई तरह का फायदा मिलेगा। छात्रों को छोटे छोटे काम के लिए आगरा नहीं जाना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय में अभी तक 395 कॉलेजेस को संबद्ध किया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इसके सियासी मायने क्या है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी से 100 सीटों पर फोकस किया गया। पश्चिमी यूपी के जाट और ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश होगी। इसके साथ यूपी में विकास का नया मॉडल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं। मोदी के इस दौरे को 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं।
तो मोदी के दौरे के सियासी मायने लगातार निकाले जा रहे हैं और इसी के साथ यूपी के विकास का नया मॉडल भी प्रधानमंत्री लगातार पेश कर रहे हैं और इसकी वानगी अब दिखाई दे रही है अलीगढ़ में। तो तीन पॉइंट्स में इस पूरे सियासी मायने को हम समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत की बड़ी किसान महापंचायत के तुरंत बाद पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को काफी कमजोर माना जा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बड़ी सियासी चाल बताई जा रही है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर बनने वाले स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर चुके हैं और राजा महेंद्र सिंह जाटों के बड़े नेता थे। पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स के बीच राजा महेंद्र का बड़ा सम्मान हुआ करता था और अब भी सम्मान करते हैं। राजा महेंद्र ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनका नाम नहीं था। ऐसे में लंबे समय से जाट वर्ग के लोग AMU का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम करने की मांग कर रहे थे। पश्चिमी यूपी में जाटों की मुस्लिम और दलितों के बाद सबसे बड़ी आबादी है। इस इलाके के 5 मंडलों आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और आंशिक रूप से बरेली में जाट बेहद प्रभावी हैं। इनका असर करीब 100 विधानसभा सीटों पर भी है। पीएम जाट स्वाभिमान और जाटों के सरोकार का सम्मान करने के मैसेज भी देते हुए नजर आए हैं। तो राजा महेंद्र सिंह के बहाने जाट वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके अलावा हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म भी अलीगढ़ में ही हुआ था। कल्याण सिंह ओबीसी के बड़े नेता थे, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के दौरान मन से कल्याण सिंह का नाम लेते हुए नजर आए। इसी के साथ वो ओबीसी वोटर्स पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। अलीगढ़ और आसपास जाटों के साथ ही लोधी वोटर्स का भी बड़ा वर्ग है। कल्याण सिंह लोधी जाति से ही आते थे, तो ये बड़ा मौका था। कल्याण सिंह का नाम लेना कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ओबीसी को साधने की पुरजोर कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही हिंदुस्तान का बंटवारा करवाने वाले और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बवाल हुआ। सियासी जानकार मानते हैं कि इस विवाद का फायदा बीजेपी को मिला है। भाजपा राजा महेंद्र प्रताप बनाम जिन्ना और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बीच में घसीटकर ध्रुवीकरण की कोशिश हो सकती है। जिन्ना की तस्वीर आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, जबकि इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने वाले राजा महेंद्र सिंह का नाम कहीं भी नहीं है। पीएम मोदी इशारों में इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी ध्रुवीकरण का बड़ा दाव चल सकती है, जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को पुरजोर मिलता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए क्या योगदान रहा है, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। निर्वासित सरकार का मतलब ये है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे। हालांकि इस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक पहुंच चुकी थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ से होता है, जिसमें उनके महात्मा गांधी से संपर्क का जिक्र है।
इस ग्रंथ में महात्मा गांधी के विचारों को भी जगह दी गई है। गांधी ने महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उससे पहले भी उनकी ख्याति का हाल अफ्रीका में मेरे पास आ गया था। उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा है, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सकूं। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आजादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि वे उसमें कामयाब नहीं हुए। 1946 में जब वो भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने नहीं दी ज्यादा तरजीह। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं रहे थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आजादी की लड़ाई शुरू की थी। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिली। बहरहाल 1957 में वे मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात ये थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। शिक्षा के लिए मददगार शख्स की छवि। राजनीतिक तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी पहचान भले ही ना बन पाई हो, लेकिन एक ऐसे समाजसेवी के तौर पर जरूर बन गई थी जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार धन संपदा दान देते रहे। पिता की सर सैयद अहमद खान से दोस्ती। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह सर सैयद अहमद खान के दोस्त थे और उनके परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले यहां चलने वाले स्कूल और कॉलेज के निर्माण में वित्तीय मदद की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एएमयू के निर्माण में उनके योगदान का जिक्र करने पर अमर पी ज्यादा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1929 में 3.8 एकड़ की जमीन लीज पर दी थी। ये जमीन मुख्य कैंपस से अलग शहर की ओर है, जहां आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अब भी खाली है। वे सर्वधर्म स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कभी हिंदू मुसलमान के पछड़े में नहीं पड़े। उन्हें आर्य पेशवा त्याग मूर्ति के तौर पर भी जाना जाता रहा। आदित्य चौधरी कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह सर्वधर्म स्वभाव के लिए जाने जाते रहे हैं। वे कहते भी हैं कि एक ही धर्म होना चाहिए, प्रेम धर्म। और तो और वे लोगों को अपना नाम पीर पीटर प्रेम प्रताप तक बताया करते थे। ऐसे में उन्हें हिंदू या केवल जाट तक केंद्रित करना उचित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। और चार के चक्रियों में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के साथ।